हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फ़ा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, साइंस का टोटल 1000 क्वेश्चन कर रहे हैं। आज जो होगा पांचवा दिन होगा। इससे पहले 4 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को अवश्य देख लें। आज जो करने वाले हैं 121 से लेकर 150 तक करने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? समतल दर्पण। फ्रेंड्स, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। इसी दौरान आपको अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना है और बाद में कमेंट बॉक्स में करना है कि आपको 30 में से कितने नंबर आए। तो पहला क्वेश्चन है 121 नंबर का, मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। और इसीलिए इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है और पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं तो किस दर्पण का दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण जो है वस्तु का प्रतिबिंब को मैग्नीफाई कर देता है, बढ़ा देता है और चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और इसका अवतल दर्पण का और सारा बहुत सारा प्रयोग किया जाता है, जैसे कि टॉर्च में, सर्च लाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में, दांतों के डॉक्टर में, सौर भट्टी इत्यादि में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण के बारे में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानव आँख का रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है यह आपको बताना है। वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। मानव के जो आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा, और ये रेटिना से जो है तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क पर पहुँचता है, तो मस्तिष्क जो है हमें सीधा प्रतिबिंब दिखाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण से न्यूनतम लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। 1.5 मीटर, 0.75 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.75 मीटर। याद रखिएगा दोस्तों, अगर व्यक्ति की लंबाई जो है किसी व्यक्ति का अगर संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहेगा दर्पण में, तो व्यक्ति की लंबाई की जो समतल दर्पण से उसकी दूरी होगी वो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो यहाँ पे व्यक्ति की लंबाई 1.5 मीटर है तो उसकी आधी 0.75 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? 2, 1, 6 या अनंत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत, क्योंकि जब कोई वस्तु को समांतर रखेंगे तो थीटा बराबर 0 होता है। आप जानते हैं प्रतिबिंब की संख्या, जब कोई समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हैं तो प्रतिबिंब की संख्या उसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा, 360/थीटा। और यहाँ पे अगर ये विषम संख्या होगा तो -1 कर देंगे, क्योंकि दो दर्पण लगाए हैं तो कभी भी बनेगा तो सम संख्या में प्रतिबिंब बनेगा, इसीलिए यहाँ -1 कर देंगे। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 रखिएगा तो अनडिफाइंड आएगा, इसीलिए जो है ये अनंत प्रतिबिंब बनाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा कि करता है, उत्तल दर्पण के तरह, उत्तल लेंस के तरह, अवतल दर्पण के तरह, अवतल लेंस के तरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के तरह। पानी में जो हवा का बुलबुला काम करता है वो अवतल लेंस के तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, धूप के चश्मे की क्षमता होती है ये आपको बताना है। 0 डायप्टर, 1 डायप्टर, 92 डायप्टर, 4 डायप्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 डायप्टर। धूप के चश्मे में कोई क्षमता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यदि किसी एनक के लेंस का पावर +2 डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। आप जानते हैं लेंस की क्षमता P=1/F होता है, तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा 1/P, और यहाँ पे जो P का वैल्यू रखिएगा 1/2, तो ये 0.5 मीटर में आएगा। और इसे 100 से गुना कीजिएगा 0.5 को 100 से, तो जो है ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह
अवशोषित करती है, परावर्तित करती है, परावर्तित नहीं करती है, परकीर्णित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो रंगों को अवशोषित करने के कारण, परावर्तित करने के कारण, परावर्तित नहीं करता, परकीर्णित नहीं करता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जो है परावर्तित नहीं करता, जिस रंग को वस्तु परावर्तित नहीं कर पाएगा वही रंग उसका जो है दिखने लगेगा, और अगर सारे रंग को अवशोषित कर लेता है तो वो काला दिखेगा, और सारे रंग को परावर्तित कर देगा तो वो सफ़ेद दिखेगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, लाल, हरा, नीला, पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरा, अगर लाल कांच को आप अधिक गर्म करते हैं तो उसका रंग हरा हो जाता है। प्रकाश रंग निश्चित किया जाता है, तो यह आपको बताना है, वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्ध्य द्वारा या आवृत्ति द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य द्वारा, प्रकाश का रंग जो निश्चित करते हैं तरंग दैर्ध्य द्वारा, और तरंग दैर्ध्य का जो रेंज होता है वो होता है 400 से 700 नैनोमीटर। याद रखिएगा, पर तरंग दैर्ध्य का रेंज होता है, और सबसे कम जो होता है बैंगनी का होता है, बैंगनी का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, इसका होता है जो रेंज होता है इसका, ये होता है 400 से 450 नैनोमीटर, और सबसे अधिक लाल का होता है, और लाल का जो तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य का रेंज होता है वो 630 से 700 नैनोमीटर। तो याद रखिएगा कि जो है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीन मूल रंग है, यह आपको बताना है तीन मूल रंग कौन कौन सा है, नीला पीला लाल, नीला हरा लाल, पीला हरा लाल, नीला पीला और हरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए इसको, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो इसमें जो है रेड क्या, लाल, ग्रीन हरा एवं ब्लू नीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है, तो आपको बताना है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है, लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तो जैसा अभी बताया कि जो है बैंगनी रंग का जो है सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब प्रकाश के लाल हरा व नीला रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग आपको बताना है, मैजेंटा, सफ़ेद, काला और श्याम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद। जब RGB, रेड, ब्लू, ग्रीन तीनों कलर को मिलाते हैं तो इसका परिणाम जो होगा, आउटपुट जो होगा वो सफ़ेद होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्तिकुलर लेंस, सामान्य मोटाई का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कैमरे में जो प्रयोग करते हैं वो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयरिस का क्या काम होता है, ये आपको बताना है। आँख में जाने वाली प्रकाश को मात्रा की नियंत्रित करता है, आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को लौटाता है, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है ताकि जो है आँखों को क्षति ना पहुंच पाए। ये जब अधिक प्रकाश, तेज धूप वाले प्रकाश पे जाइएगा तो ये ऑटोमेटिक सिकुड़ जाएगा आयरिस, ताकि प्रकाश अधिक ना पहुंच पाए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में प्रयोग करना चाहिए, उत्तल लेंस का, समतल उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, समतल अवतल लेंस तक। इसका सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, जो निकट की वस्तु को देख सकता है पर दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, जो निकट दृष्टि दोष उसे बोलते हैं जो निकट की वस्तु को तो देख लेगा लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता, तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, जो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकेगा पर निकट की वस्तु को नहीं देख सकता, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है, गैलीलियो ने, गुटेनबर्ग ने, एडिसन ने, ग्राम बेल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने, और गैलीलियो जो है पीसा के रहने वाले थे, पीसा इटली में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है। आँख के रेटना पर परंपरागत कैमरे को निम्नलिखित में किस भाग से तुलना की जा सकती है, जो आँख का रेटना है उससे किसका तुलना किया जा सकता है, फिल्म का, लेंस का, शटर का, आवरण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्म का, जो है रेटना जो है यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसका जो है फिल्म से तुलना किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी आवेश चालक के संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक पृष्ठ, कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, सभी। तो आपको बताना है किसी आवेशित चालक के, जो खोखला आवेशित चालक है, इसके जो है
आवेश कहाँ पे रहता है? तो याद रखिएगा, इसके जो है बाहरी पृष्ठ पर आवेश रहता है। इसी कारण से जो है कार में अगर बैठा व्यक्ति, अगर कार चारों तरफ से खिड़की बंद है तो उसके अंदर जो अगर कोई आसमानी बिजली गिरेगा तो कार में बैठे व्यक्ति को जो है हानि नहीं पहुँचेगा, क्योंकि जो है खोखला गोला के अंदर आवेश जो होता है शून्य होता है, इसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्तुओं के आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है? तो याद रखिएगा, वस्तु के आवेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के, और विद्युत धारा जो होता है उत्पन्न, वो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के कारण ही होता है। तो आवेश उत्पन्न होगा तो विद्युत धारा भी उत्पन्न होगा। तो याद रखिए, आवेशन जो है किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप कार में जा रहे, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, क्योंकि कार की खिड़कियां बंद करने पर जो है उस पर आवेश भीतर जो है शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये नियम किसका दिया था? ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, फैराडे का नियम या कूलम का नियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलम का नियम। कूलम क्या बताया था कि दो आवेश के बीच लगने वाला बल जो होगा, दो आवेश के बीच लगने वाला बल, मान के चले यहाँ पे Q1 और Q2 दो आवेश है, Q1 और Q2 दो आवेश है, तो यहाँ इसके बीच दूरी R है, तो इस पे जो लगने वाला बल होगा वो 1/2 इसके सीधा समानुपाती होगा। अच्छा से लिख देते हैं, दो आवेश है Q1 और Q2, तो इनके बीच दूरी मान लीजिए R है, तो इस पे लगने वाला जो बल होगा वो दोनों चार्ज के गुणनफल के सीधा समानुपाती होगा, और जो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती लगने वाला बल व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर हो गया K × Q1 × Q2 / R², और K का मान होता है 1/4πε₀। तो अगला क्वेश्चन की ओर, इसका सही आंसर हो जाएगा ये कूलम का नियम, दो आवेश के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, कूलम का नियम है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है, उन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध के, विभांतर के, विद्युत धारा के, प्रबलता के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभांतर। अगर कोई तार है ये, तो इस बिंदु से इस बिंदु में जो आवेश आएगा तो ये विभांतर के कारण ही आएगा। यहाँ पे उच्च विभांतर होगा, निम्न विभांतर, और याद रखिए जो धारा उत्पन्न होता है उच्च विभांतर से निम्न विभांतर जाने के कारण ही उत्पन्न धारा उत्पन्न होता है। अगला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभांतर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सावर्धिक विद्युत चालकता वाला तत्व तो आपको बताना है, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम या लोहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी जो है सावर्धिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अति चालकता का लक्षण है, तो अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। तो याद रखिएगा, अति चालकता का लक्षण जो है उच्च पारगम्यता कहते हैं। अधातुएं विद्युत के कुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनके परमाणु हल्के होते हैं, उनका गलनांक कुछ होता है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधातुएं विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। याद रखिए, किसी भी ये मान के चलिए धातु के तार है तो इसमें जो है बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और इसी के जो स्थानांतरण के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसमें विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनका गलनांक अधिक होता है, ये सस्ता होता है, ये बहुत टिकाऊ होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, जिससे जो है एनर्जी का बचाव होता है, विद्युत धारा का ह्रास नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वह समान आवेश पर हो, समान धारिता पर हो, समान विभव पर, समान प्रतिरोध पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान विभव पर। जैसे कि हम बताएं एक तार है, तो यहाँ पे जो विभवांतर होगा, वोल्टेज होगा यहाँ पे, और इस बिंदु पे दोनों जगह अगर समान होगा तो इसमें विद्युत धारा नहीं बहेगा, और विद्युत धारा बहने के लिए चाहिए कि उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर। तो अगला बस यहीं तक था आज भर के लिए, इतना ही। अगर पसंद आए इस वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एकदम सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, लाइक कर दीजिए, और जो है
कमेंट करिए, अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन में त्रुटि लग रहा है तो कमेंट कीजिए, और कितना नंबर लेकर आए 30 में से आप ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में सब। तब तक के लिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।